यवतमाल के पार्टीपुरा में आपसी बहस से एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। विवाद सुलझाने गई महिला को भी पीटा गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी एक हत्यारे की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान विशाल कृष्ण रामटेके के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक की मां सुनीता कृष्णा रामटेके ने यवतमाल सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी विनोद तमगड़गे, प्रमोद तमगड़गे, भगवान तमगड़गे, अनिकेत बागड़े, प्राशिक भगत और अमित भगत इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कल पूर्ति यवतमाल शहर स्थित अंबेडकर नगर पाटीपुरा येथे जुन्या वादावरून शेजारी राहणारे जे तामगाडगे आणि विशाल रामटेके त्यांच्यात वाद झाला। विशाल रामटेके हा याला तामगाडगे यांनी म्हटलं की तू बाबा तुझ्या मित्रासोबत राहू नको, त्यावरून त्याने म्हटलं की बाबा मी मित्रासोबत राहणार, माझं काय मी कोणासोबतही राहू शकतो, तुम्ही तुमचं पाहून घ्या। यावरून त्याने त्यांचं न ऐकल्यामुळे हा राग मनात धरला आणि तामगाडगे फॅमिली जी आहे त्याचे विनोद तामगाडगे आणि त्याच्यासोबत जे 5-6 व्यक्ती रात्री दरम्यान 10:30 वाजता त्याला चाकूने मारून जखमी केले। त्याला उपचाराकरता सामान्य रुग्णालयात आणले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत वरून आपण पोलीस स्टेशनला विशाल रामटेके याची आई तिच्या तक्रारीवरून 302 दाखल केला आहे आणि तात्काळ आरोपीला अटक करून पुढील कारवाई चालू आहे। बॉसने मीटिंग बुलाई। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।